ही एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि है एक ग्रीन स्मोकी आई मेकअप लुक। इससे पहले मैंने ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट किया था, तो मैं इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालया की क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटिक की बायोफ्रूट लिप ब्राइटनिंग लिप बाम। सो नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग फाउंडेशन, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक स्टूडियो फिक्स लिक्विड फाउंडेशन इन दी शेड NC42। सो मैं इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ कंसीलर भी अप्लाई करूँगी। ये है मेबलिन का फिट में कंसीलर इन दी शेड 25 मीडियम। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, पहले फाउंडेशन को ब्लेंड करके इसके बाद कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, बट मैं साथ ही साथ में इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बना रही थी तो मैंने दोनों साथ में ही अप्लाई कर दिया है। और हाँ गाइज, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कीजिए। अब मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इन सबको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और गाइज, मैंने फाउंडेशन से पहले प्राइमर यूज़ किया था बट इसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई है, सो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये नायका का कलर करेक्टर पैलेट, इसमें से मैं ये ब्राउन शेड को एज अ कॉन्टर यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने चीक्स पर, फॉरहेड पर और जो लाइन पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ये पिंक कलर की लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं इसी पैलेट में से ये लाइट शेड को अपने अंडर आइज पर और थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज़ पर और फॉरहेड पर अप्लाई करूँगी और मैं इन सबको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइज, याद रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट करके ही यूज़ कीजिए, तो ही अच्छे से ब्लेंड होगा, वरना नहीं होगा। और हाँ गाइज, आप कोई अच्छा सा कलर करेक्टर पैलेट लेना सोच रहे हो तो आप ये वाला पैलेट जरूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छी वाली प्रोडक्ट है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है, तो गाइज मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर इन दी शेड NC42। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बटर ब्रॉन्जर। इसको मैं अपने चीक्स पर, जो लाइन पर और फॉरहेड पर अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मैक का ब्लश, इसको मैं अपने चीक्स पर, थोड़ा सा नोज़ पर और थोड़ा सा चिन पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये हाइलाइटर, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये हाइलाइटर। आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है बट यूज़ तो करना पड़ेगा। इसको मैं अपने चीक्स बॉन्ड पर और थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, क्यूपिड्स बो पर और थोड़ा सा लिप्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट है आईब्रोज़, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की आईब्रो पेंसिल। नेक्स्ट बार ये आई मेकअप की, तो सबसे पहले मैं ये वाले लाइट पिंक शेड को अपने पूरे लिड पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ये वाले पिंक शेड को अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ये वाले ब्राउन शेड को इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक की ग्रीन कलर की काजल, इसको मैं अपनी आई लिड पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एक क्लीन ब्रश की हेल्प से। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये वाला ग्रीन शेड, तो मैं ये वाले शेड को इसके ऊपर ही अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ये वाले ब्लैक कलर को अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी, जिससे एक स्मोकी आई वाला लुक हमें मिले, और इन सबको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का ग्रीन कलर का शिमरी आई शेडो है। अगेन ये भी डैमेज हो गया है क्योंकि मैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स इधर उधर रख देती हूँ, सो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। सो नेक्स्ट मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट में से ये वाले ग्रीन शिमरी शेड को अपनी हाफ आईलिड पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ये वाले ब्लैक शेड को लेकर इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो इसके बाद मैं इसी पैलेट में से ये लाइट ग्रीन कलर के शिमरी शेड को अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और नेक्स्ट मैं ये वाले ग्रीन शेड को अपनी लोअर लाइन पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ये वाले ब्राउन शेड को इसके ऊपर अप्लाई करूँगी और इसके बाद मैं ये वाले ब्लैक शेड को अपनी लोअर लाइन पर अप्लाई करूँगी और इन सबको अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये नायका की काजल, ये जो कि सिल्वर कलर की काजल है, बहुत ही अच्छी वाली प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं ये वाले शिमरी शेड को अपनी ब्राउ बोन पर अप्लाई करूँगी। और मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, इसको मैं अपनी अपर लैशेज और लोअर लैशेज पर अप्लाई करूँगी। और इसके बाद मैं अपनी फॉल्स लैशेज अप्लाई करूँगी। सो फिर से मैं एक बार मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद बारी है लिपस्टिक की, तो मैं सबसे पहले ये वाले न्यूड लिप लाइनर को अप्लाई करूँगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिपस्टिक, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की न्यूड लिपस्टिक इन दी शेड A19 व्हील। सो गाइज, हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है प्राइमर, सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्राइमर। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। सो गाइज, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।